इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 1583 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजस्थान में एक ही परिवार की 5 बहनों ने आरएएस क्लियर किया, अब ये परिवार अफसर फैमिली बन गई है। हनुमानगढ़ की रहने वाली 3 बहनों ने एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। उससे पहले 2 बहनों ने इन एग्जाम्स को हासिल किया था। राजस्थान में मॉनसून भले देर से आया, लेकिन जहां बरसात हुई वहां जमकर बरसा। जोधपुर जिले के बिराई गांव में भी बारिश ने खेतों को खुशहाल बना दिया है। कभी इन खेतों में लाल मिर्ची की बेहतर फसलें हुआ करती थी, लेकिन इस मॉनसून में बाजरा, कपास, तिलहनी फसलें बुवाई के बाद जमीन से बाहर आना शुरू हो गई है। मॉनसून मेहरबान रहा तो फसलों का उत्पादन भी ठीक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार 31 जुलाई से पहले नतीजे आ सकते हैं। बता दें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय बोर्डों द्वारा विभिन्न राज्यों के बोर्ड को एक संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया गया था कि वे कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा 31 जुलाई 2021 तक करें। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कलयुग में भी राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले पुरखाराम साल में 300 दिन तक कुंभकर्णी नींद में रहते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान उनका खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ नींद में ही होता है। दरअसल 42 वर्षीय पुरखाराम को बेहद ही दुर्लभ बीमारी एक्सेस हाइपरसोमनिया हो गई। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान को लंबी नींद आती है। भादवा गांव के रहने वाले पुरखाराम एक बार सोने के बाद 25 दिनों तक नहीं उठते हैं। लगभग 23 साल पहले उनकी इस बीमारी की शुरुआत हुई थी।